आए कहां से हम भी तो इंसान हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सलाम, नमस्ते, आदाब। तो क्या हाल चाल है सभी के? होप करता हूँ सारे बढ़िया से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया से हूँ भाई। आज के दिन की शुरुआत घर से हो रही है और मैं जैसे ही नींद से उठा तो देखा कि डिलीवरी वाले की कॉल आई हुई है। तो डिलीवरी में देखा कि भाई एडसेंस आया हुआ है। और मैं कुछ दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है भाई। हाँ, तो ये रमज़ान वाले महीने में स्किप हो जाएंगी कुछ वीडियोस, पर रमज़ान के बाद मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियोस देता जाऊँगा और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आगे। इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएंगे, फनी ब्लॉग्स आएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे। हम जाते हैं नीचे और देखते हैं भाई लोग क्या कर रहे हैं। मामू भी नीचे हैं, पापा भी आए हुए हैं क्योंकि पापा को डॉक्टर को दिखाना था, तो इसलिए भैया पापा को लेके आए हुए हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो डॉक्टर के पास आए थे चेकअप कराने के लिए। चेकअप करवा दिया हुआ है और हमें इंटरसेप्टर का ना एग्जॉस्ट भी चेंज करवाना है भाई। वो काफ़ी ज़्यादा अब बोरिंग सा हो गया है भाई, इरिटेटिंग साउंड लग रही है मेरे को वो काफ़ी, उसको भी चेंज करवाएंगे। गूगल एडसेंस तो आ गया है। अब नीचे जाते हैं, मामू बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, दोनों को दिखाते हैं और देखते हैं भाई रिएक्शन क्या रहता है ये सब देख के गूगल एडसेंस का। तो चलो नीचे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा रिएक्शन रहता है। हेलो एडसेंस, वाकई यार कब आया ये? अभी लेके आए हैं। खोला तुमने? देखा? हाँ। एडसेंस का पिन, वाकई। नहीं, पैसे कितने आए? कितने पैसे आए? आ गया हमें दो चार पेटी और क्या। हैं? पैसे आ गए, पैसे। देख, और देख, क्या देख रहे थे यार? वाकई यार हाइलक्स और क्या सेक्सी है ना हाइलक्स। नहीं यार, क्या बोलता? चलिए फिर महंगी बहुत है भाई, थोड़ी 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 45 लाख रुपए की गाड़ी है। तब से यही देख रहा था मेरे को, पता नहीं कहाँ चला गया। जबरदस्त गाड़ी है, चलिए फिर लेने। क्या हो? 45 लाख की अच्छी गाड़ी है यार। ओ भाई, 45 लाख की बेस मॉडल है। नहीं यार, मॉडल 50-55 लाख रुपए की है। चलें देखने फिर। देखने? हाँ, लेने चलें। ये है ना, ये है ना, कितने आए होंगे? है 2-3। हाँ, 2-1 होगा, 2 इधर से, बाकी मैं निकालता हूँ। चलो चलो, इसी से बुक करवाते हैं। चलो यार, चलो चलो चलो, 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 चलो। भाई निकल रहे हैं टोयोटा शोरूम के लिए। कैसे समझ रहे? क्या ले रहे? चल अभी यार, ये नहीं। चलो यार, वाकई यार है। बड़े सोने लग रहे हो यार, क्या सीन है? गाइस, हम निकल चुके हैं घर से। इसको और भी थोड़ा सा कभी निकाल लिया कर इसको भाई, इसको थोड़ा धुलवा उलवा लिया कर। इसका तू सर्विस करवाता है ना कुछ? ये भी खत्म कबाड़ कर दी तूने, ये भी कबाड़ कर दी तूने यार। कोई नहीं, करवाएंगे सर्विस, सर्विस और सारी चीजें करवाएंगे भाई। बोलना टाइम नहीं मिलता है भाई, कुछ नहीं टाइम तो मिलता नहीं है। अभी जा रहे हैं टोयोटा भाई, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन रहता है, बुकिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो टेस्ट ड्राइव के बाद ही पता चलेगा। चाबी लाई इसकी? चाबी तो उधर ही रहेगी ऊपर ही। जा चाबी लेकर, चलते हैं पहले चाबी लाने के लिए। भाई ने बोल दिया चाबी लाने के लिए। सो गाइस, चाबी ले ली हुई है, अब चलते हैं जल्दी से, फटाफट 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 बंद करते हैं दरवाजा और चलते हैं भाई। दो गेट को कर देते हैं लॉक। ये बच्चों ने मारे स्क्रैच, ये यहाँ से लेके यहाँ तक साइड भी लगा हुआ है स्क्रैच का। हाँ बाबू, केड़ी गड्डी निकालेंगे से? पहले चलते हैं यार, देखेंगे पहले, क्या पता क्या सीन रहेगा। पहले जल्दी चलते हैं ना, देखते हैं ना क्या नहीं है, किस पे मूड बनता है। अभी वर्किंग थोड़ी कम हुई है, थोड़ा वीक हो गया है आज बस। सो गाइस, हम पहुंचने वाले थ्री टोयोटा जो कि नरवाल चौक के पास में ही है। और जैसे कि आप तो देख सकते हैं यहाँ पे श्री टोयोटा पहुंचने वाले हैं और हम जाते हैं अंदर और देखते हैं भाई। ये देखो ट्राले में गाड़ियां भी आई हुई है भाई। अब देखते हैं क्या सीन रहता है भाई, कौन सी गाड़ी बुक कराएंगे, कौन सी नहीं। पहले चलते हैं फॉर्च्यूनर देखते हैं भाई।
पहले फॉर्च्यूनर देखते हैं पहले साहिब, पता क्या मेरे हिसाब से हम फॉर्च्यूनर देखते हैं पहले, फिर अगर लगेगा ना तो बाकी, पहले अभी कुछ फिलहाल फाइनल नहीं है, पहले फॉर्च्यूनर देखेंगे क्योंकि दिमाग में फॉर्च्यूनर ही चल रहा है भाई बहुत दिन से, तो सबसे पहले फॉर्च्यूनर चल रहा है ना कि मुझे थोड़ी चाहिए एसयूवी, बड़ी इतनी गाड़ियां, चार पांच गाड़ियां हाई क्रॉस गाड़ियां होगी, आ रही नहीं होगी उनको यार। सबसे पहले फॉर्च्यूनर देखेंगे भाई, उसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, देखेंगे क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता है, उसके बाद चलो पहले बात करते हैं। फॉर्च्यूनर लगी ही नहीं है भाई, इधर कहाँ है रोहित भाई, उसको फोन करो ना, साहिब जरा उनसे बात करवा दे, वही थे ना आप, इधर ही हैं रोहित है, बाकी डायमेंशन में दिखाओ गाड़ी अगर है, तो भाई लोगों हमें ले जा रहे हैं भैया फॉर्च्यूनर दिखाने के लिए, टेस्ट ड्राइव पे आपके पास गाड़ी नहीं है, इसका नहीं देखा हमने एक चीज को, उधर देखो, हाँ हाँ वो देखा मैंने, ये चीज जो गियर ये तो रहेगा ही रहेगा इसमें, तो ट्रक के जैसे है यार भाई, देख सकते हो ये बेसिक वेरिएंट है फॉर्च्यूनर का, एसी ऑन करो, उधर सीट बैठ जाना था, वेंटिलेटेड सीट है, वेंटिलेटेड सीट क्या पता हो भी सकता है, ये बेसिक मॉडल है इसका, सबसे बेसिक, ये बेसिक मॉडल भी टॉप मॉडल में क्या फर्क है, ये तो बहुत अच्छी स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है इसका, सब कुछ चीजें तो अच्छी, ये तो अंदर से सेम हाइलक्स जैसी लग रही है, सेम खाली ये पिलर्स का फर्क, ये पिलर को हटा दे, इस पिलर को हटा दे साइड, गियर सेम है, ये सारा सेम है, सेम स्टीयरिंग बिल्कुल डिट्टो है वैसे, वो भी देख लेते हैं मैं क्वार्ट का इधर कोई नहीं, अंदर से सब सेम, रेट में क्या डिफरेंस होगा इसका, हेड ना जरा बस सर, आई लाता मत सेम है यार, अंदर से इंटीरियर बिल्कुल सेम है, खाली इसका मेरे को गियर का ही डिफरेंस आ रहा है बस, और पेडल शिफ्टर्स आ गए इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है, सारा सेम ही है, वेटिंग सर विद इन 2 मंथ के अंदर गाड़ी रेडी हो जाएगी, दो महीना लगेगा, डिपेंड करता है कलर मॉडल आप कौन सा, अच्छा जैसे ब्लैक कलर में तो है ही नहीं आपके पास, अच्छा लगी हुई है, लगी है ना उसके सामने, सही लग रही है ना, और देखते हैं जरा उसको, जैसे बुकिंग करवाते हो एग्जैक्ट आपको जो वेटिंग पीरियड है वो आपको पता चलेगा, अच्छा हमने हाई क्रॉस तो दो दिन में ले ली थी है ना, वो मैं कर लूंगा साइल से, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी, जो कलर मॉडल आप डिसाइड करते हो अवेलेबल होगा तो आपको संडे भी मिल सकता है, ब्लैक देख लो ना, ब्लैक सुनो ना, ब्लैक देखो ना, फॉर्चुनर एंड लेवल गाड़ी है यार, ये भी वही ऑटोमेटिक मैनुअल है, ये भी ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल सिग्मा 4, सिग्मा 4 ये भी सिग्मा 4 है, आज रेट वगैरह लेते हैं पहले, देखते हैं क्या बुकिंग करनी है, गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी अवेलेबल है, गाड़ी तो खड़ी है यहां बहुत, मगर सिग्मा 4 ज्यादा देर खड़ी है, खाली फॉर्चुनर दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, रोड वगैरह कितना ऑन रोड प्राइस जा रहा है उस हिसाब से देखते हैं क्या बनता है, ठीक है दोनों गाड़ियां सामने तो पता लगेगा, टीम चीज तो मिलेगी, कैसे पता लगेगा गाड़ी के बारे में, पहले टेस्ट ड्राइव तो करनी पड़ेगी, बोल रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए का फर्क है, ज्यादा फर्क कोई दिख नहीं रहा है गाड़ी में, 2-2.5 लाख रुपए का टोटल फर्क है गाड़ी में, क्या पता ऑटोमेटिक ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हो, हाँ जिस तरह हमने जब हाई क्रॉस ली थी उस टाइम क्रिस्टा का हमारा था प्लान है, उस टाइम हाई क्रॉस ली ऑटोमेटिक वो ज्यादा अच्छी परफॉर्म की वो ले ली उस टाइम, अब देखो ना जैसे ये बेसिक और सिग्मा 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली अलॉय व्हील का फर्क है बस, अलॉय व्हील
हाँ ये है ना हाइलक्स पर पीछे वाइट कलर की लगी हुई है। ब्लैक कलर की हालत देख के हो जाती है, वाइट कलर साफ दिखाई देता है, कितना भी पुराना होगा ना फिर भी साफ दिखाई देगा। पूरे शोरूम में एक गाड़ी लगी है हाइलक्स, ये तो टॉप वेरिएंट है, हाइलक्स हाई है ना, हाई मैनुअल। भाई ये रही हाइलक्स, इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है दोनों की, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स मतलब वही 201 bhp का इंजन, 500 nm का टॉर्क, फॉर्च्यूनर में सेम, क्योंकि इसमें इंजन सेम है। अच्छा कितना डिफरेंस है इसमें आपको जो पड़ेगी स्टैंडर्ड मॉडल, बेसिक मॉडल जो आता है, ये जो मॉडल अभी आप देख रहे हो ना एमटी पड़ेगा, इसका एक्चुअल प्राइस है 37,15,000, कंप्लीट आपको पड़ता है 42,88,000। गाड़ी सेम है अंदर से यार, खाली वो पिलर है यहाँ पर, बाकी सेम ही है सारा कुछ, स्टीयरिंग टेल ऑलमोस्ट सारा सेम है, ऑलमोस्ट सभी सेम है इसमें भी, इंजन सेम है दोनों गाड़ियों का भाई, सेम बिल्कुल सेम है, सेम MID वगैरह भी सेम है। इसमें बेसिक कितने से स्टार्ट होती है भाई, ये जो मॉडल है ना ये वाला पड़ेगा आपको 42,88 का, 42,88,000। हाँ जी डिस्काउंट वगैरह कुछ है, डिस्काउंट इसमें वो देख लेता हूँ जो बेस्ट होता है। इसमें दो ग्लव बॉक्स है, नीचे वाले लॉक भी कूल्ड वाला है, नीचे लॉक वाला भी दिखता है, ये ना कूल्ड वाला है, वो ये लॉक है। अच्छा इसकी बेसिक में भी 4x4 ही आता है ना, सब में 4x4 और बेसिक 37 बताया आपने, बेसिक 37,00,000 रुपए की बेसिक है और वो भी 4x4 है। भाई आ गया कश्मीर से मेरे से मिलने के लिए, इंशाल्लाह लेंगे दो दो गाड़ियां आज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वे बोल ना रोजदार चिका, रोजदार इज कंटिन्यू, हां प्रोसेस इज गोइंग कंटिन्यू सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल बढ़िया बस, लॉग में आ रहे हो भाई, भाई गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहा है भाई, खुश देखो भाई कितना है है ना, भाई देखो खुश कितना है, जबरदस्त। आप कब तक आओगे, निखार आ गया चेहरे पे कसम से, हैं गाड़ी के नाम से ही। एक्चुअल में रोहित भाई से बात हो गई है, वो गाड़ियां लेके आएंगे और टेस्ट ड्राइव दिलाएंगे घर पे पहुंचा के, बैठो बहुत ह्यूज गाड़ी है हाइलक्स, अभी चलाओगे तब पता चलेगा, चलाने का खैर ऐसे पता लग जाता है यार बैठने से, मेरे को लग रहा है ये पूरी गाड़ी उसके कैबिन में घुस जाएगी यार आराम से, ये अपनी धनो है इसकी बारी में बोल यार, सही अर्श से अर्श पर ले जाने वाली कोई गाड़ी है तो यही है ना अपनी बेचारी, 7 तो दिया इसने मजबूरी में हमारा, सही बात क्या भाई, गुरबत में भी तो हमारी साथ यही थी, दिल्ली में बात किया ना सही, 1,00,000 रुपए का फर्क मिल रहा है, इधर गाड़ी को दे रहे हैं, ये 3 महीना बोल रहे हैं वेटिंग, मैं 3 महीना थोड़ी वेट करूंगा गाड़ी के लिए, मेरे को मन आज है 3 महीने बाद मन बदल जाएगा, 3 दिन में अगर देंगे तो ठीक है, 3 दिन में देंगे तो बात है क्या भाई, बंदे को आज गाड़ी लेनी है, आप बोलते 3 महीने बाद देंगे, तब तक शो की खत्म हो जाएगा, बोलेगा और कोई ले लूंगा मैं, जरूरी यही लेनी है, डाई हार्ट फैन तो हूं नहीं मैं गाड़ी का, भाई मैंने लेनी यही है, आप तो इससे बेटर ऑप्शन मिल गया मुझे, तब तक या तो मैं मजबूर होऊंगा तब भी लूंगा क्योंकि मैंने ले ली होगी ऑलरेडी, तब तक अगर एंडेवर आ गई तो एंडेवर करा लीजिए, या तो अभी दे दो गाड़ी लेनी है, अब मेरे हिसाब से क्या लगता है सही कौन सी गाड़ी लेनी सही है, देखेंगे ना पहले टेस्ट ड्राइव, सुहेल भाई से पूछना भाई, सुहेल भाई फॉर्च्यूनर हाइलक्स सही नहीं है मेरे सबके पास है ना जाने का सबके पास, क्या मामू आप क्या बोलते हो कौन सी अच्छी लगी, पहले हाइलक्स मैंने पहले ही बोला है, नहीं यार और क्या पहले ही बोला, वही बुक कराएंगे पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे, टेस्ट ड्राइव क्या ही लेना, गाड़ी देख ली यार, देखना मेन तो इनकी बोला है आपने बोला मेन तो इनके पास गाड़ी नहीं है, 3 महीने के बाद गाड़ी मिलेगी कम से, क्या नाम है उसका, बोला गाड़ी लेने के लिए साहिल, क्या नाम है उसका, नहीं एक बार टेस्ट ड्राइव देखेंगे यार उसके बाद बुक कराएंगे, वो तो आएगा ना शाम को, अवेलेबल नहीं है इनके पास, कैसे यहाँ करेंगे लेंगे दिल्ली से, ये भी मसला है, बोलो लंबा टेस्ट ड्राइव लेंगे हम यहाँ से सीधे दिल्ली, सीधे दिल्ली वहाँ से लेकर आएंगे गाड़ी सीधा अगले ही दिन वापस। सो गाइस महिंद्रा शोरूम आ गए हुए हैं जम्मू मोटर्स गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, जम्मू मोटर्स रिहाड़ी में है, एक रिहाड़ी में है ना, रिहाड़ी में ही नहीं का है ना,
वही इन्हीं का तो है, वो मेन मेन ब्रांच है ना। हाँ ये गए थे ना उधर, फिर मैं इधर सहज के बाद लेके आया, 40,000 का डिफरेंस आया। वो तो मेरे रेफरेंस पे दे दिया, नहीं तो कश्मीरी आवाज सुनता ना वो 50,000 रुपए और डालो। मैंने तो सहज को फोन करके बोला था 7 घंटे, मेरा वो मैनेजर को, मैं तो मैनेजर को भी बोल दिया नहीं, मौके की बात होती है। हाँ जी हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया भाई। टोयोटा की तो टेस्ट ड्राइव तो मिली नहीं भाई, वहाँ से आ गए हम, और मेरा दोस्त आया हुआ है भाई, उसकी गाड़ी की डिलीवरी है, फिर वहाँ पे भी गए थे पर डिलीवरी तो मिली नहीं। आज मंडे के लिए बोला है, और मंडे को ही अलॉय व्हील भी डलवाएंगे और डिलीवरी भी ले लेंगे भाई की गाड़ी की। हमने टोयोटा वालों को बोल के रखा हुआ है टेस्ट ड्राइव के लिए, हाइलक्स और फॉर्च्यूनर दोनों के लिए। हम भी तो इंसान हैं, जाए कहाँ अब हम, इंसान या काफिर है, आए कहाँ से हम, जन्नत की वादी से।